रौबदार और कड़वा सच है। कर्नल का आधार धड़कन धड़कन जुड़ा हुआ है, शिक्षा का संचार गांव गांव और गली गली में कर्नल करे प्रचार, गांव गांव और गली गली में कर्नल करे प्रचार। रे भैया कर्नल का ये कमाल, रे बबुआ कर्नल का ये कमाल, कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डाकिया कर्नल के आने का टेलीग्राम उनकी बीवी ममता को पढ़कर सुनाता है कि कर्नल साहब इसी इतवार को गांव आ रहे हैं। दूसरी तरफ कर्नल प्रताप सिंह की फेयरवेल पार्टी होती है और कर्नल रिटायर होकर अपने गांव की अशिक्षा से लड़ने का बीड़ा उठा अपने गांव चल पड़ता है। उधर गांव में ममता झंडा को, जो कि उसका गोद लिया हुआ बेटा है, को फटकार लगाती है। कर्नल साहब रिटायर होकर घर आ रहे हैं और तुमने उनके स्वागत की कोई भी तैयारी पूरी नहीं की। झंडा सिंह ममता को ढांढस देता है कि वो फिक्र ना करे, कर्नल बाबा के आने से पहले उनके स्वागत की तमाम तैयारियां वो अकेला पूरी कर लेगा। उधर गांव का जमींदार सतनाम सिंह व उसके गुर्गे कर्नल के गांव आने से बेहद परेशान हैं। इसके बाद क्या होता है, आइए देखते हैं कमाल कर्नल का के इस भाग में। राधा बहन, वो जिन इस कदर मेरे पीछे पड़ गया, इस कदर कि क्या बताऊं आपको। जहां जहां मैं जाऊं वो जिन मेरे पीछे पीछे, जहां जहां जाऊं वो जिन मेरे पीछे पीछे। अरे गर्दन जरा जमा कर रखो मिया, बार बार हिलाओगे तो ऐसी हजामत हो जाएगी कि जैसे कोई आवारा बैल आधा खेत खा गया, समझे। हाँ सीधी रखो। तो मैं क्या कह रहा था राधा बहन, वो जिन, अरे गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से उस जिन से मेरा पीछा छुड़वाया। अरे किसी ने झूठ फैला दिया होगा, ये जिन विन कुछ नहीं होता, हमने अपनी किताबों में पढ़ा है। कर लो बात, कुछ नहीं होता, यानी ये भूत जाल इंद्रजाल किताबें ये सब बेकार है बिल्कुल। तुम्हारा मतलब ये है कि तांत्रिक ऊर्जा ये सब ठस से, वाह भाई वाह। अरे सब बकवास बात है, क्या अंधविश्वास की बातें करते हो, मैं नहीं मानती इन बातों को। तो मैं भी नहीं काटता बाल लो। अच्छा तो क्या यूं ही अधूरा छोड़ दोगे। अरे इतनी उम्र हो गई मेरी है, आज तक गांव में किसी ने मेरी बात को काटा नहीं। मैं तो वो तजुर्बा हूँ कि घी को शहद, वो शहद को बना दूं पानी, समझी कंचन रानी। अरे भीखू भैया, काहे इसकी बात में आ रहे हो, ज्यादा पढ़ लिख गई ना छोरी, इसलिए हर बात का सबूत मांगे है। तुम तो लड़के के बाल काटो भीखू भैया। अब आप कहती है तो काट देता हूँ राधा बहन। अच्छा कितना पढ़ गई है सही है। 10वीं पास कर ली है मैंने, और मेरी छोटी बहन भी 8वीं में पढ़ रही है। बस तभी तो तुझे कुछ पता नहीं है। हा? क्यों? क्योंकि ये इंद्रजाल की किताबें 11वीं क्लास से शुरू होती है। अच्छा हमें तो मास्टर ने ऐसा कुछ नहीं बताया। अरे वो मास्टर क्या बताएगा, कभी शमशान में सोया हो तो बताए वो। शमशान? अब ये शमशान का पढ़ाई से क्या लेना देना। अरे लेना देना है बेटी, जब तक शमशान में अजले मुर्दे के पास नहीं बैठे ना, तब तक ज्ञान नहीं आता। हाँ हो, तो आप तंत्र मंत्र की बातें कर रहे हैं। ये तंत्र मंत्र नहीं, दूसरी दुनिया का भेद है बेटी। इन किताबों से बारिश नहीं होती, मंत्रों से होती है, मंत्रों से। हाँ लो राधा बहन, कट गए उसके बाद। ला निकालो मेरे पैसे। इस बार बड़े अच्छे काटे बिछू भैया बाल तो छोरे के। अरे तो इस बार उसने गर्दन भी तो कम हिलाई है। ला पैसे दो मेरे। ले बिछू भैया पैसे ले ला। जा छोरे नहा के आ जा, जा उठ। अच्छा राधा बहन चलता हूँ मैं। अच्छा भैया। अरे आज कल की छोकरी है हमें सिखा रही है, वो जिन नहीं होते। अरे एक आध पीछे पड़ जाएगा ना तब समझ में आएगा। हाँ वो जिन नहीं होते, पता नहीं क्या समझ रही है अपने आप को। अरे दो चार किताब में पढ़ ली और बस समझ में नहीं आता इसको। अरे बिट्टू तू कहाँ घूम रहा है। अरे बस हुजूर अपने काम निपटाने गया ना। और सुना क्या हाल है तेरे। हालचाल तो ठीक है हुजूर, अब आप लोगों की कृपा रहेगी तो हालचाल तो ठीक ही रहे। और सुना के नई ताजी खबर सुना रहा है। अब क्या नई ताजी सुना हुजूर आपको, ये राजा की लड़की ने तो मेरे दिमाग ही खराब कर दिए। क्यों भाई क्यों, क्या हो गया। अरे कहती है कि भूत जिन कुछ होते ही नहीं। क्या कहती है। तो ये सब मैंने वो किताबों में पढ़ा। अरे तौबा तौबा भाई तौबा तौबा,
क्या जमाना आ गया है? मुझे तो लगता है कि इस गांव के बच्चों में तमीज तो रही ही नहीं। अरे 10 जमात जो पढ़ लिए ना। ओहो भैया, मेरे को तो लगता है कि अब इस गांव को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। अरे मेरे जिंदा होते तो मैं ये सब होने नहीं दूंगा। नेताओं की तरह ऐसे ऐसे भाषण दूंगा कि ये मास्टर लोग आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगेंगे। अरे अब और के कमीज फटेगी पीछू है। अरे गांव में तो एक और बला आ रही है इस आग को हवा देने के लिए। हवा? मैं समझा नहीं। अरे इतवार को कर्नल प्रताप सिंह चौहान आ रहा है और सुना है कि वो घर घर में बगावत करवाएगा। हाँ मुझे मालूम है, पर ये क्या बगावत करेंगे? इनके घर में तो खुद झंडू सिंह यानी झंडा ही अनपढ़ है। हाँ, अभी तक नहीं तो पढ़ के सांड हो गया होता। याद नहीं है आपको, मैंने ममता ठकुराइन के कैसे कैसे कान भरे थे, उन्होंने उसे पढ़ाई में उलझने ही नहीं दिया। अरे भाई अगर ये सिलसिला यहाँ शुरू हो गया तो क्या होगा? मेरा नाम भी भीचू है, भीचू नाई। पढ़ाई के बारे में ऐसी गंदी गंदी अफवाहें फैलाऊंगा कि देखना तुम। हाँ अरे कुत्ते काटेंगे लोगों को, लेकिन लोग पत्थर मारेंगे मास्टरों को। हाँ शाबाश शाबाश भीचू, क्या बात है। कसम से तेरे जैसा अकलमंद आदमी तो मैंने दुनिया में देखा ही नहीं। अच्छा अब ये बता भीचू, तू ये खेल कैसे करेगा? अरे एहसान भाई देखना आप भी। अरे खेल तो मैं ऐसा करूंगा कि अच्छा अच्छा खिलाड़ी भी खिलखिला के खेलते ही रह जाएगा। अरे करना था, मूछे बनवाने तो मेरे पास ही आएंगे ना। मूछे बनाते बनाते ही ऐसा दिमाग पलटूंगा उनका मैं, देखना तुम भी। अरे गारंटी है मेरी, अगर मैंने पहला झगड़ा करना साहब के घर में नहीं करवाया ना, तो मेरा नाम भी बीचू नहीं। क्या बात है बीचू ये। और अगर सुन, तूने वाकई में ऐसा कर दिया ना तो चौधरी साहब तेरे को माला माल कर देंगे। अरे जेबें भर देंगे तेरी यार जेबें। और ये देख ये क्या है, 50 रुपए का नोट। ये 50 रुपए का नोट तू मेरी तरफ से रख ले। अरे रख यार। ईशान भाई रखूंगा जरूर 50 का नोट, मगर पहले जरा हाथ धो लूं मैं। क्यों भाई? अरे बाबा के बेटे के बाल बनाए थे ना सुबह, तब से हाथ ही कहाँ धोए, तो परेशान हो गया हूँ सुबह से मैं भी। ठीक है भैया धो ले। बैठ भाई बैठ। वैसे कुछ भी कहो, इस भीचू को पूरे गांव की खबर रहती है, हैं? अरे एकदम खबरी आदमी है, खबरी है? यार एक काम और करियो, वो उस मल्ला की छोरी का क्या नाम है, सुधा, अरे उसका भी कुछ इंतजाम कर दियो, समझे? वो भी गांव में लोगों को बहुत भड़का सके है। कल कह रही थी कि कर्नल के आने के बाद गांव में बूढ़ी औरतों का स्कूल खोलूंगी। चिंता मत करो साहब, मेरी नजर सबके ऊपर है। जैसे ये खतरा तो मेरे ऊपर भी मंडरा रही है, क्योंकि मेरे घर की जवान औरतें भी बुजुर्ग दिखाई पड़ती है। देख ले भैया, अब इस गाँव की किस्मत तेरे हाथ में है। अरे किस्मत की चिंता आप मत करो, उसे तो मैं मसल के रख दूंगा। तो समझो कि काम शुरू हो गया। और सुन बीचू, अगर कल तेरे को टाइम मिले ना तो आके हवेली में चौधरी साहब से मिल लेना, समझ गया ना? अच्छा तो फिर हम चले। चलो भाई चलो। अरे एहसान भाई वो 50 का नोट। ले रख ले। तो सुन, कल चौधरी साहब की हवेली में आना मत भूल जाना। अरे नहीं भूलूंगा, जरूर आऊंगा जरूर। चलो भाई चलो, अब आ जा मजा। अब देखना जीतू कैसे कतरता है। अरे बालों के साथ साथ ही पढ़ने वालों के कान। अरे जब जीतू और जीतू के बच्चे नहीं पढ़े तो ये लोग कैसे पढ़ जाएंगे? हा? देख तुझे तो पढ़ाई लिखाई के अलावा कोई काम है नहीं। मुझे 10 काम करने खेत के जाके, मैं चल रहा हूँ घर। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे पास मुझसे बात करने का भी समय नहीं है तो मैं कभी ना आती। ओहो चल ठीक है, तू कल घर चली आना। ओफो मैं तो वही आती, लेकिन ये कुछ सवाल थे जो हल करने थे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहे। देखो अब देख तो ऐसा रहे जिसे तुम ही सॉल्व करोगे। क्या करोगे? छोड़ मैं देख लूं कितने पेज करवाने हैं हल। देख भाई ऐसे हालात में जो घर के चल रहे तुझे मालूम है, मैं 3-4 दिन शहर नहीं जाऊंगा। और जब नहीं जाऊंगा तो फिर शहर वाले मास्टर से तेरे ये सवाल कैसे हल करवाऊंगा बता। मैं तो इसलिए तुम्हारे पास आई थी कि मुझे ये सवाल हल करवाने थे। तू हमेशा उल्टे सीधे काम करती है क्या? तो किसी दिन खुद तो मरेगी मरेगी, मुझे भी मरवाएगी। तुम मुझे डांट क्यों रहे हो? मुझे थोड़ी पता था कि तुम इतने लेट आओगे। और फिर अगर तुम खुद ही पढ़े लिखे होते तो ये नौबत थोड़ी आती। ना ना अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो भी मैं तुझे यहाँ ना बुलवाता। किसी दिन मेरी इज्जत का फलूदा बनवा देगी तू यहाँ। अब क्यों हंस रही हो?
फालूदा पर। फालूदा पर? अरे फालूदा का मतलब तो तुम्हें उस दिन मालूम पड़ेगा जब ये गांव वाले लोग हमें गलत समझकर सूखे गोबर के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर हमें मारेंगे। झंडा, कभी कभी तो मुझे तुमसे बात करते हुए शक होने लगता है। मुझसे बात करते हुए शक होने लगता है? किस बात पर? कैसा शक है? शक इसलिए होता है क्योंकि तुम पूरे गाँव में पता नहीं देहाती भाषा में अजीब अजीब से ऊट पटांग मजाक करते रहते हो, पर जब मुझसे बात करते हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई वेल क्वालिफाइड आदमी बात कर रहा हो, मतलब पढ़ा लिखा आदमी। ये तो जलवा है हमारा। अरे हम शहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो सीख के आते ही हैं। खैर छोड़ो ये सब, मुझे घर तक तो छोड़ दो। ना बाबा ना, ना जाने तेरे घर वाले भी क्या सोचते होंगे। नहीं नहीं, उन्हें तो पता है कि मैं तुम्हें सवालों की कॉपी देने आई हूँ, पहले भी तो आती रही हूँ। अरे पहले की बात और थी, आज से पहले जब भी आई है तू मुझे मेरे घर पे मिलने आई है, समझी ना। बगली घर का मतलब घर होता है, और यहाँ जैसे हम बैठे हैं ना इसे देखकर कोई भी कुछ कह सकता है। तुमसे तो बात ही करना बेकार है, मैं जाती हूँ। आ जाएगी भाभी, आप क्यों चिंता करती हैं? भाभी वो फूल मालाएं कहाँ हैं? वो माला तो नंदू लेने गया है भाई साहब। भाभी जी आपने नंदू को क्यों भेज दिया? आपको मालूम है कि वो तो बावला है, आपने इस झंडू को क्यों नहीं भेजा? कितनी बार तू इससे कहा पर ये हर बार टाल गया। क्यों भाई झंडू? हाँ वो तुम्हें कर्नल साहब के आने की खुशी नहीं है? अब ऐसा है चाचा जी, बाबूजी के आने का मुझे अफसोस है या खुशी है ये तो मेरा दिल ही जानता है, पर ये जो जलसेबाजी, ये झुंझुनेबाजी और ये ढोलकबाजी जो हो रही है ना, ये कर्नल बाबूजी को पसंद आएगी या नहीं आएगी ये भी मुझे मालूम नहीं है, समझ गए ना आप। ओ झंडू, ओ सुन तो सही। हद हो गई, हम क्या उनका जुलूस निकालने आए हैं? मालूम नहीं ये हमारे ही घर में रह के हमारा ही दुश्मन क्यों बन गया, अच्छा ही हुआ जो चला गया। अरे झंडा भैया, ट्रेन आ गई क्या? नहीं आई अभी। पर तुम कहाँ जा रहे हो झंडा भैया? पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ मैं। जरूर उन राक्षसों ने कुछ कहा होगा, खैर वो तो है ही ऐसे। अरे बेटे तुम क्यों ले आए माला, और नंदू कहाँ रह गया? नंदू को दूसरे काम से गया हुआ है, उसको कोई दूसरा काम आ गया था, ये फूल लेके मैं सीधे घर चले गया था, मुझे लगा कि बाजा वहीं आएगा। क्यों? अरे घर से क्या तेरी बारात निकलनी थी? अगर मेरी बारात निकलती तो तुम सबसे पहले घोड़ी के सामने खड़े हो जाते, वहाँ पैसे लूट रहे होते। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम लोग यहाँ कैसे खड़े? क्यों, रेल कहीं और आएगी क्या? नहीं रेल यहीं आएगी, लेकिन डब्बा कहीं और रुकेगा, खास तौर पर कर्नल जी का। क्यों? क्योंकि इतने बड़े आदमी है। ओहो, तो डब्बा रुकेगा कहाँ? आगे, सबसे आगे, कर्नल साहब आगे वाले डब्बे में तो बैठेंगे, इतने बड़े आदमी जो ठहरे। ये लो पकड़ लो। मालूम है हमें, मालूम है, तभी तो हम ये बैंड की प्रैक्टिस कर रहे थे। स्टेशन मास्टर साहब एक बात तो बता दीजिए। स्टेशन मास्टर, बात ऐसी थी कि हमारे कर्नल साहब तो इंजन में ही बैठे होंगे, अरे उन्होंने तो बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, अब भाई रेलवे वाले कुछ तो इज्जत करेंगे उनकी। क्यों जी क्यों? बिल्कुल बिल्कुल क्यों स्टेशन मास्टर साहब, बात समझने के लिए क्या किताबें पढ़ना पड़ती है? अच्छा चलो, हमारी ममता भाभी है ये बहुत पढ़ी लिखी है, इन्हें समझा दो। अरे भैया आप लोग बहस क्यों कर रहे हैं, आइए अपन सब चलते इंजन तक, वहीं देख लेंगे क्या होगा। सच कहते हैं अनपढ़ होना अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी अभिशाप है। उफ। कर्नल साहब कहाँ है? कर्नल? कौन कर्नल? ओए ओए, छोटी रेल क्या मिल गई, कर्नल साहब को ही भूल गया? अरे तू अनपढ़ों की तरह मेरा दिमाग मत खा,
जाके पीछे डब्बे में देख। कर्नल साहब पीछे थोड़ी ना बैठेंगे, आगे बैठेंगे। इतने बड़े आदमी पीछे बैठेंगे क्या, आगे बैठेंगे। अबे शुक्र करो सरकार का जो मैं इस ट्रेन को तुम्हारे गांव में रोक देता हूँ, वरना तुम्हारे गांव का नाम तो जाहिलों और अनपढ़ों में इतना बदनाम है, इतना बदनाम है। मेरा बस चले ना तो ट्रेन तो क्या, यहाँ साइकिल भी ना रोको। कैसे हैं आप? हम सब ठीक हैं। आप कैसे हैं करुण साहब? भाई मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। लेकिन वो झंडा नहीं दिखाई पड़ रहा। करुण साहब क्या बताएं? वो भाभी से बदतमीजी करके चला गया। क्यों भाई? अरे कुछ नहीं, जाने भी दीजिए, बाकी बातें घर चल के होंगी। चलिए घर चलिए। ये सब क्या है? आपका स्वागत है। अरे भाई लेकिन ये तो जलूस हो जाएगा। अरे झंडू भैया भी यही कह रहे थे, पर इस बात पे ये सब लोग नाराज हो गए। कोई बात नहीं करना साहब, आपकी खुशी में हम लोग कर रहे हैं। बजा बजा बजा, जल्दी नाचो, उठा उठा उसे, उठा, 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 चलिए चलिए चलिए। तेरा बेटा, बेटा ये मेरा एक काम कर दोगी तुम? ये देखो इधर देखो सामने वो कर्नल अंकल खड़े ना, वो उस हाँ वो छड़ी वाला आदमी खड़ा है ना, उसके बाजू में खड़े है ना कर्नल अंकल मूंछों वाले। तुम बेटा ये फूल उनको दे दोगी? दे आओगी? दे आ बेटा। भाई आपने तो सतनाम जी अच्छा खासा मेरा जलूस निकाल दिया। थैंक यू बेटे, थैंक यू। ये फूल आपको किसने दिया? फूल अंकल ने। मैं जाऊं? हाँ बेटे जाइए, थैंक यू। लगता है झूठा प्यार जताने के लिए किसी ने बड़ी दूर से निशाना छोड़ा है। और चुप रहा भी छू, तेरी ये चुगली की आदत बचपन से अभी तक नहीं सुधरी। ए बिचू जा के करण साहब के लिए टाका लेके। अभी लाया, अभी लाया। माफ कीजिएगा कर्नल साहब, ये तो गांव है, आप ही का गांव है, आपको पता है कि और सब ठीक है गांव के अंदर? ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बच्चे बच्चे आइए। हाँ चलिए आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अरे हटिए जी, अब इस उम्र में भी कोई सुंदर लगने के दिन होते हैं? काश हमारे बच्चे होते तो आज आपके कंधे तक होते। क्यों, बेटा है तो हमारे पास, किस बात की कमी है हमें? पता नहीं, वो भी हमें माँ बाप समझता है या नहीं। ऐसा क्यों सोचती हो तुम भाई है? एक बात याद है तुमको,
जब तुम बहुत बीमार पड़ गई तो किस कदर परेशान हुआ तो तुम्हारे लिए याद है जी। हाँ। परंतु आज उसको देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे आपके आने की उसको कतई खुशी नहीं है। भाई ये तुम्हारा वहम है केवल। वहम नहीं है जी। हाँ। जिस दिन आपके आने का तार आया था। हाँ। उस दिन भी वो घर से गायब था। अच्छा? और आज भी वो घर में नहीं है। अरे मुझे मालूम है कि वो कहाँ होगा। पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा। चिंता क्यों करती हो? है? चिंता तो नहीं करती। हाँ। पर आज सुबह तो उसने कुछ भी नहीं खाया है जी। अच्छा। मैं जानता हूँ तुम्हें उसकी चिंता है। भले ही चाहे तुम कुछ भी कहो तुम उसे प्यार करती हो बिल्कुल अपने बेटे की तरह। मालूम नहीं सच क्या है पर मुझे बहुत डर लगता है जी। हाँ। कभी कभी तो वो घर से दो दो दिन के लिए गायब रहता है। अच्छा? और मैं कुछ पूछती हूँ। हाँ। तो कहता है मैं बैंक के काम से और बीज खरीदने के लिए शहर गया था। अच्छा तो फिर उसे आप बाहर ही रहने दो। हाँ? क्या तुमने कोई जवाब नहीं दिया? बाहर कहाँ रहेगा जी वो। अरे भाई फिक्र क्यों करती हो अब मैं आ गया हूँ ना है सब ठीक हो जाएगा। बाबा राम राम। जीते रहो बेटा जीते रहो। क्यों रे झंडा तू स्टेशन पर मुझे लेने क्यों नहीं आया? मैं तो बाबा नहीं आ सका पर वो बाबा नहीं आ सका मुझे सब मालूम है। तू वहां पर स्टेशन पर पेड़ के पीछे मुँह छिपाए खड़ा था क्योंकि जब तूने वो फूल बच्चे के हाथ से भेजा ना तभी मैं समझ गया था कि वो फूल केवल तू ही भेज सकता है क्योंकि गांव में तुझको ही वो फूल सबसे ज्यादा प्यारे हैं। और अब तू कह रहा है कि मुझे स्टेशन पर लेने नहीं आया और वहां पीछे खड़ा खड़ा रो रहा था है? जी हाँ बाबा आपको लेने में स्टेशन आया तो था पर माँ ने कहा कि तो अरे साफ साफ क्यों नहीं कहता कि माँ ने कुछ कहा था? नहीं बाबा माँ की बात का कौन बुरा मानता है और फिर उसका बेटा बुरा मानेगा ये तो हो ही नहीं सकता। वो तो बाहर वालों के सामने कभी कभी अपने आप पर ही दुखी हो जाती है। दुख? कैसा दुख? कैसा दुख? अरे बोल ना कैसा दुख? इसलिए कि मैं अनाथ हूं बाबा। काश मेरे माँ बाप जुल्म का शिकार ना हुए होते। इसीलिए यहां भोले बाबा के मंदिर में आकर उनकी याद किया करता है। बाबा मैं बुरा लड़का नहीं हूं बाबा। नहीं तू बुरा है बहुत बुरा है। तुझे ये सोचने का क्या हक है झंडा? क्या हम तेरे माँ बाप नहीं हैं? हैं? इसलिए तुझे लाने के लिए ही तेरी माँ ने मुझे यहाँ भेजा है। बेटा तू नहीं जानता तेरी माँ तेरे को कितना प्यार करती है कितना प्यार करती है। मुझे माफ कर दो बाबा। मुझे माफ कर दो बाबा। जा माफ किया। अच्छा एक बात बता यहाँ आजकल कैसा चल रहा है? वैसे तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है बाबा पर कुछ लोगों ने गांव में अफवाहें उड़ाई हुई हैं कि मैं शहर में कोई गंदा काम करता हूँ और सतनाम चौकड़ी ने तो बहुत ही गंदी खबर उड़ाई हुई है कि आप और अम्मा मुझे शहर मिलने गए मेरे पैर छुए तब मुझे गांव वापस लेकर आए हैं। छी अरे किसी अच्छे काम के लिए कुर्बानी तो देनी ही होती है ना बेटा। मगर बाबा अब तो पानी सर से ऊपर आ चुका है अब बर्दाश्त नहीं होता। तू कहे तो मैं आज ही ये राज खोल दूं। वैसे जैसा आप चाहे करें पर बाबा अब थोड़े ही दिन बाकी बचे हैं सोच लो। शाबाश। और बैंक के हिसाब किताब? वो भी ठीक है बाबा। अच्छा बीज लाने हैं खाली तो बीज तो मैं परसों ले आऊंगा। अब देख लेना बाबा अब की बार सबसे अच्छी फसल हमारी ही होगी। वेरी गुड। अच्छा वो लड़की क्या नाम है उसका? हाँ सुधा वो पढ़ रही है ना? बाबा जी इस साल उस लड़की ने 11वीं का एग्जाम दिया है। अच्छा वेरी गुड। पर बाबा
लड़की क्या हीरा है, जीवट की लड़की है। वो लड़की इस गांव में बुजुर्गों के पढ़ने के लिए स्कूल खोलना चाहती है। बहुत अच्छे भाई। पर अच्छे कहाँ, ये देखिए सतनाम और उसकी चौकड़ी, उसमें एहसान है, बिच्छू है, वगैरह वगैरह है। क्या कहे हैं इन्होंने? बाबा बहुत गलत काम किया है। अच्छा? इन्होंने सुधा के बाप को और माँ को अपनी हवेली में बुलाकर बहुत जलील किया, बहुत जलील किया। मगर वाह रे लड़की, कमाल है, इतनी हिम्मत मैंने आज तक किसी लड़की में नहीं देखी। वो अभी भी अड़ी गए स्कूल खोलने पर, मगर वो आपका इंतजार कर रही थी। क्यों? क्योंकि बाबा उसे मालूम है कि इन लोगों से लड़ने के लिए कर्नल चाचा की तो मदद लेनी ही होगी। अब चिंता मत कर झंडे, चिंता मत कर, हमको योजना बनाकर इनसे लड़ना होगा, है ठीक है ना? जी बाबा। चल तो फिर अभी तो घर चलते हैं। बाबा माँ तो कुछ नहीं कहेगी ना? नहीं, तू आ जा बेटे, तेरे को लाने के लिए ही तो भेजा है उसने। आगे आ जा। रौबदार और कड़वा सच है, कर्नल का आधार धड़कन धड़कन जुड़ा हुआ है, शिक्षा का संचार गांव गांव और गली गली में कर्नल करे प्रचार, गांव गांव और गली गली में कर्नल करे प्रचार। रे भैया कर्नल का ये कमाल, रे बबुआ कर्नल का ये कमाल, कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का।